हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे वीडियोस इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ रहे हैं। मुझे आजकल कुछ समय मिला हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी जितनी मदद कर पाऊँ कर दूँ, जितने गानों में मदद कर पाऊँ कर दूँ। आई होप आप लोगों को ये गाने का प्ले थ्रू गिटार के साथ मज़ा आया होगा। और मैंने अब सोचा कि मैं ये प्ले थ्रू शुरू में रख दिया करूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। मीनवाइल इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अकी हिमसेल्फ इज़ माय हैंडल। बहुत सारे टेक्स्ट आते रहते हैं कि मुझे गिटार आता भी नहीं है, ना मेरे पास गिटार है, पर मुझे जब आप बजाते हो गाने के साथ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा अब मैं गाने के शुरू में ही प्ले थ्रू रख दिया करूँगा ताकि अगर आप अपनी कार में, बाइक में, हेडफोन पे, साइकिल पे, पैदल जैसे भी हो, आप बस मेरा वीडियो खोलो और आप स्क्रीन बंद कर दो अगर आपके पास यूट्यूब प्रीमियम है, और आप मज़े लो। मैंने सोचा कि मैं वो प्ले थ्रू शुरू में रख देता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द ट्यूटोरियल ऑफ दिस सॉन्ग, बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप लोग बेसिक्स सीखना चाहते हो, मेरा नीचे एक कोर्स डिस्क्रिप्शन में है, एक मोबाइल नंबर भी है, आप डायरेक्ट मुझसे भी सीख सकते हो। कमिंग बैक, गिटार कॉर्ड्स की अगर आपको बहुत बेसिक सी भी नॉलेज है, ए माइनर, जी, एफ से काफी लोग घबराते हैं, एफ मेजर सेवेंथ बजाओ, सेकेंड स्ट्रिंग वन, थर्ड स्ट्रिंग टू, फोर्थ स्ट्रिंग थ्री, और एफ जहां जहां लिख के आ रहा है वहां पे एफ मेजर सेवन बजाओ। मैंने भी पूरे गाने में शायद एफ मेजर सेवन ही बजाई है। ई मेजर, ए माइनर पकड़ते हो, इसी को एक एक स्ट्रिंग ऊपर ले जाइए, ई मेजर, डी मेजर, सेकेंड स्ट्रिंग टू, थर्ड स्ट्रिंग थ्री, फर्स्ट स्ट्रिंग टू, सेकेंड स्ट्रिंग थ्री, थर्ड स्ट्रिंग टू, और नीचे की चार स्ट्रिंग बजानी है। देन वी हैव ई माइनर, जो ई मेजर पकड़ा था उसमें ये फर्स्ट फिंगर हटा देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रमिंग ऑफ द सॉन्ग, गाने का स्ट्रम पैटर्न कैसा है। आप ई ए माइनर पकड़िए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बजाना। मेरा आज क्या हो रहा है, ए माइनर पकड़ा, आप देखिए क्या करना है। कुल मिला के स्ट्रमिंग बजानी कैसे, और इस गाने के लिए ना एक लाइट पिक यूज़ कीजिएगा। ये मेरा पिक 0.45 mm है, 0.46 mm, हाँ। सो दिस इज़ अ जिम डनलप का ये वाला ग्रीन वाला पिक, ये मेरा बहुत फेवरेट पिक है, ये हमेशा मेरे पॉकेट में रहता है स्ट्रमिंग के लिए। क्योंकि इस सॉन्ग में अगर आप अकूस्टिक गिटार पर ध्यान दो तो अकूस्टिक गिटार की ऐसी आवाज़ आती है। ये आवाज़ पतले पिक से ही ये टोन बनेगा, ठीक है। सो आप ये वाला पिक या फिर 0.4, 0.5 का कोई भी पिक खरीद सकते हो। स्ट्रमिंग, ये हमें आवाज निकाली। अब ये पता है एक पैटर्न है, बहुत सिंपल है, मैं फिर स्लो बताता हूं। डाउन अप डाउन अप, मेरे साथ बजाइए फिर से। अब इसको दो बार बजाइए, ठीक है। दो बार बजाने के बाद एक आखिरी में डाउन मार दीजिए, फिर से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब धीमे धीमे साथ में स्पीड बढ़ाते हैं, हो सकता है वीडियो देखते देखते इतनी तेज स्पीड ना आए, बट चालू कर दो। मैंने ये गाना क्यों उठाया, ये गाना ट्रेंडिंग नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंडिंग नहीं, मैंने क्यों उठाया। मैं गोवा में रहता हूँ, मैं जहाँ पे जब भी ड्राइव पे निकलता हूँ मुझे हर कैफ़े से, हर रेस्टोरेंट से एक सिंगर ये गाना बजाते हुए मिल रहा होता है।
मैं ध्यान देता हूँ कि वो कॉर्ड्स क्या बजा रहा है, और 90% सिंगर्स इस गाने की गलत कॉर्ड्स बजाते हैं, स्पेशली अंतरे में, वो जो अंतरे में ई मेजर आता है। एंड देन दिल में है क्या, कुछ तो बता, क्यों है खफा। यहाँ पे तो मैंने सोचा कि मैं पूरा ये गाना समझा देता हूँ, और प्लीज़ मैं जल्दी जल्दी हर दूसरे दिन वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ से भी रिस्पांस मिले। आप सबसे छोटा ये कर सकते हो कि नीचे जो लाइक बटन है उसको दबा दो, सब्सक्राइब बटन है अभी तक नहीं दबाया उसको दबा दो, और बेल आइकन को वो कर दो, जो भी बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। सो उससे क्या होगा, मुझे पता चलता रहेगा कि यार मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ कैमरे के सामने, ये आप तक पहुँच रहा है और ये रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर सकता हूँ। तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड भी है, ये जो मैं इन गानों को एड्रेस कर रहा हूँ, ताकि आप सीख सकें। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मैं फ्यूचर में क्या वीडियोस डाल सकता हूँ। क्या मैं सोच रहा था कि मैं के पुराने गाने जितने हम 2000 में सुनते थे, 2009-2010 तक, के जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं, नॉट इवन हिट सॉन्ग्स, मतलब के जितने भी गाने हैं पुराने वाले, नॉस्टैल्जिया वाले, मैं सोच रहा था कि उसको मैं गिटार पे आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सिंगर्स परफॉर्मर्स हैं, क्लब में ये गाने बजाने पड़ते हैं, नहीं बजाने पड़ते हैं तो ये इनको सीख के आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ताकि आपका शो लंबा जाए। क्लब में बजाने में मेरे ख्याल से ब्रेक के साथ 3 घंटा 3.5 घंटा तो डिमांड करता है ये कोई भी रेस्टोरेंट या क्लब। तो मैं आपकी मदद कर सकूं इन गानों में, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी अपना अपना ख्याल रखो, मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करना, अके हिमसेल्फ इज़ माई हैंडल, और मुझसे डायरेक्ट सीखना चाहते हो तो मेरा नीचे एक नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। 2 कोर्सेज हैं, एक बिगिनर्स का और एक इंटरमीडिएट का, वो ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय। रुकिए 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 रुकिए, हर बार मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं। अब आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज इस पॉइंट पे पिछला वीडियो कौन सा था, पसूरी, उसका कॉर्ड चार्ट बहुत लोग मांग रहे थे। कॉर्ड चार्ट ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब वीडियो एंड तक देखा करो, कहीं भी वीडियो में कोई भी पार्ट में कुछ भी फ्री में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।